जैन फ्रेंड जॉब सर्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक बड़ी ग्रुप सी की भर्ती के बारे में, जो कि आपके ट्रेड में मेट की रहने वाली है, जो कि आपकी नेवी की तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई है। ये आपकी अंडोबार निकोबार में आपकी रहेगी, जिसमें आपकी वैकेंसीज का जो भी एग्ज़ाम वगैरह भी अंडोबार निकोबार में ही करवाया जाएगा। वहीं पे आपकी पोस्टिंग रहेगी, वहीं पे आपका पोस्टेड रहेंगे। पोस्ट आपकी काफ़ी बड़ी आपकी आउट की गई हैं, इसमें देख सकते हैं ट्रेडमैन मेट के लिए आपके 338 पोस्ट हैं और ट्रेडमैन मेट के लिए आपका NAD डोलीगंज में आपकी 24 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल 362 पोस्ट टोटल रहने वाली हैं। इसमें ITI आपका मांगा जाता है, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी आपकी जो भी है इसमें दी गई है, 18 से 25 साल एज आपकी रखी गई है, 10वीं पास के साथ ITI आपके पास किसी भी ट्रेड से होना चाहिए तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी आपकी दी गई है, इस नेचर ऑफ ड्यूटी के अनुसार आप काम करेंगे, कोई भी काम इसमें से करवाया जा सकता है। एज आपको 5 साल, SC ST को, OBC को 3 साल छूट, PWD के लिए 10 साल की छूट, अदर जो भी सर्विसमैन को नियमानुसार छूट रहेगी। जो भी आपका सिलेक्शन मोड है तो स्क्रीनिंग पहले सबसे पहले की जाती है, सभी डॉक्यूमेंट के जो भी कैंडिडेट है उनको नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपका जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को एक पोस्ट के लिए 25 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, वो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जो भी कैंडिडेट पास होंगे उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। रिटर्न टेस्ट के लिए आप देख सकते हैं, रिटर्न टेस्ट बहुत ही नॉर्मल रहेगा, 25-25 नंबर के सभी सब्जेक्ट रहेंगे। आपका 2 घंटे का टाइम दिया गया, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सिलेबस के टॉपिक भी आप यहां से देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट की लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में way2jobsite.com, वहाँ से आप ये सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर आपका पोर्ट ब्लेयर ओनली रहेगा, वहीं पर आपकी एग्ज़ाम होगी। आप पोर्टल ओपन हो जाएगा 26 और 25 जो भी आपका सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ओनली जो कैंडिडेट हैं ITI जो पास कर रखे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, उन कैंडिडेट के लिए शानदार है पोस्ट, ये अच्छी पोस्ट आपकी आउट की गई है। और अंडोबार निकोबार में कैंडिडेट थोड़े कम देखने को मिलते हैं, तो आपको ये आपको कंपटीशन कम होने का चांसेस मिल जाते हैं, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि वहाँ के लिए आप एग्लेबल हों, वहाँ जा सकते हों तो ही अप्लाई करें। फालतू में इसमें जो भी पेमेंट भी लगने वाला है, 200-250 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखेगा, और वहाँ पे यदि आप नहीं जा पाएंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उस एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। और इसमें शॉर्ट लिस्टेड भी किए जाएंगे, कुछ कैंडिडेट को एडमिट कार्ड सभी के नहीं आने वाले हैं, शायद हो सकता है शॉर्ट लिस्टेड आपके परसेंटेज बेस पे ही किया जाएगा, बाकी यदि आप फॉर्म गलत भरते हैं तो वो भी आपका इसमें मान्य नहीं होगा। ये कंप्लीट आपके जो भी जानकारी इसमें चेक कर सकते हैं, ये आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्लेबल ट्रेड जो दी गई हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको इसमें दी गई है, इन सभी ट्रेड में से कोई भी एक ट्रेड आप यदि किए हुए हैं तो इस फॉरम को अप्ला आराम से वेबसाइट पर अप्लाई कर पाएंगे। ये लिंक हमारी अप्लाई करने की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट दी गई है, उस पर आपको मिल जाएगी। आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और शानदार मौका है आप कैंडिडेट के लिए। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफेंस की परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है, 60 ईयर तक की परमानेंट जॉब रहेगी, जिसमें कंप्लीट आपको डिफेंस से संबंधित सारी सुविधाएं दी जाएंगी और अच्छा खासा पेमेंट भी आपको इसमें रहेगा। नेवी की पोस्ट है, इसमें ट्रेडमैन में जो भी आपका जो भी एक्स्ट्रा हाउस आप ड्यूटी करेंगे उसका एक्स्ट्रा हाउस का पैसा खासा अच्छा खासा मिलता है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास शानदार मौका इसमें रहने वाला है। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, या टेलीग्राम ग्रुप पर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। जैन दोस्तों।